चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच पुलिस ने शनिवार को फर्जी बैंक अकाउंट प्रोवाइड करवाने के मामले में राजगढ़ जिले के युवक को पकड़ा है। पचोर निवासी आरोपी युवक फैजान ग्रामीण क्षेत्रों में POS मशीन से खाता खोलने, श्रम कार्ड बनाने, आयुष्मान कार्ड बनाने और आधार अपडेट करने का काम करता था। आरोपी फैजान का पिता गुड्डू खा पहले मिर्ची व सब्जी का धंधा करता था, वर्तमान में पचोर के मंडी रोड पर फ्लावर डेकोरेशन की दुकान चलाता है। पुलिस के अनुसार फैजान श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर POS मशीन पर अंगूठा लगवाकर ऑनलाइन अकाउंट खोल लेता था। उस बैंक अकाउंट को ऑनलाइन ठगी करने वाली भरतपुर की गैंग को बेच देता था। भरतपुर की गैंग लोगों को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं, जिसमें एक नग्न महिला पीड़ित व्यक्ति के साथ चैट करती है। वह पीड़ित को एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप का उपयोग करके महिला के साथ चैट करते हुए रिकॉर्ड करते हैं। कुछ दिन के नग्न वीडियो कॉल के बाद जाल साथ पीड़ित को नग्न होने के लिए कहते हैं। एक बार जब पीड़ित अपने कपड़े उतार देता है तब वे उन्हें अपना चेहरा दिखाने का लालच देते हैं। इस दौरान पूरी कॉल रिकॉर्ड की जाती है। रिकॉर्ड की गई इन वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल पीड़ितों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच के SI गुरजीवन सिंह ने बताया कि हमने न्यूड वीडियो कॉल के नाम पर ठगी करने वाली भरतपुर की गैंग पकड़ी है। 9 लोग पहले से उनकी हिरासत में हैं। उन्होंने 4 करोड़ रुपए के लगभग की ठगी की गई है। हाल ही में पचोर के समीप लालपुरा गांव के राजेंद्र सिंह राजपूत के खाते में 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन चंडीगढ़ के शिकायतकर्ता ने किया था। उसी के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल में युवक फैजान को पकड़ा है। फैजान लगभग साल भर से श्रमिक कार्ड बनाने का काम कर रहा था। SI गुरजीवन सिंह का कहना है कि अभी हमने इन दोनों युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। प्राथमिक तौर पर गैंग के पास लगभग 45 अकाउंट संचालित करते पाए गए हैं। कितने खाते खोले गए हैं यह पूछताछ के बाद ही ज्ञात हो पाएगा।